नमस्कार, आज का जो हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड्स में डायरेक्ट प्लान क्या होते हैं और रेगुलर प्लान क्या होते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही हॉटली डिबेटेड टॉपिक है। आज आप देखेंगे कि इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे एक्सप्लेनर वीडियोस बने हुए हैं, बट मैं इसको सिंपलिस्टिकली आपको चार बड़े डिफरेंसेस जो होते हैं डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर के, आज वो आपको एक आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर आप कुछ चीज खरीदने जाते हैं तो डिफरेंस जरूर आएगा अगर आप उसी चीज को फैक्ट्री से खरीदें या किसी रिटेलर से खरीदें, तो वही डिफरेंस डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर का है। डायरेक्ट प्लान मतलब आप फैक्ट्री से बना हुआ सामान खुद फैक्ट्री से ले रहे हैं, और रेगुलर प्लान मतलब कि वो जो फैक्ट्री में सामान बना था वो किसी रिटेल शॉप पे गया, उसके बाद किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया और वहां से किसी रिटेलर के पास आया और आपने उसको वहां से लिया जाकर, तो एक प्राइस का जो डिफरेंस होता है वो जरूर आएगा उस प्रोडक्ट के अंदर में। तो वही एग्जैक्ट डिफरेंस है डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर में। डायरेक्ट में आप सीधा फंड हाउस के साथ में डील कर रहे हैं, आप फंड हाउस से सीधा वो स्कीम ले रहे हैं, और रेगुलर में उस स्कीम को आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से या किसी बीच के इंटरमीडियरी से या किसी बैंक के थ्रू ले रहे हैं। तो डिफरेंस जो है वो है कमीशन का। तो सबसे पहला डिफरेंस डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर में होता है एक्सपेंस रेशियो का। जी हाँ, आप किसी भी स्कीम में अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो गूगल पर जाइए, सर्च में उस स्कीम का नाम और डायरेक्ट प्लान डालिए साथ में, जैसे एक्स वाई जी एक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान, एक्स वाई जी एक्विटी फंड रेगुलर प्लान, और दोनों का एक्सपेंस रेशियो देखिए। एक में एक्सपेंस रेशियो जो कि रेगुलर प्लान है उसमें एक्सपेंस रेशियो होगा 2%, 2.25%, 2.5%, और जो कि डायरेक्ट है उसमें वो एक्सपेंस रेशियो बिल्कुल आधा हो जाएगा। तो वही एक्सपेंस रेशियो जो रेगुलर में 2 था वो डायरेक्ट में 1% हो जाएगा। तो 1% हर साल आपका स्कीम में कम जाएगा, इसका मतलब वो 1% आपका हो गया जो कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर को जा रहा था। तो ये था सबसे बड़ा डिफरेंस कि एक्सपेंस रेशियो जो होता है डायरेक्ट प्लान में वो हर साल 1% या उसके आसपास, इक्विटी फंड में 1% के आसपास से कम होता है रेगुलर प्लान के कंपैरिजन। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस जो डायरेक्ट और रेगुलर का रिटर्न है उसमें डिफरेंस आना ही आना है, क्योंकि एक में एक्सपेंस रेशियो कम है, एक में एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा है। तो इसको समझाने की जरूरत नहीं है। जहां डायरेक्ट में आपका एक्सपेंस रेशियो 1% ही था किसी इक्विटी स्कीम में, वहां आपको वो रिटर्न ज्यादा आ रहे हैं, हर साल ज्यादा आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट किया, जब आपने म्यूचुअल फंड में एंट्री किया तभी आपको उसका फर्क पड़ रहा है। वो जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो हर साल चार्ज होता है आपके स्कीम पर। रेगुलर में आप 1% से करीब करीब, ये 80 पैसा भी हो सकता है, ये 0.25% भी हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज 1% का डिफरेंस आ जाता है किसी इक्विटी स्कीम के अंदर में। तो 1% से रेगुलर में आपका रिटर्न कम आता है। अगर इसको एक उदाहरण से अगर मैं समझाना चाहूं, तो मान लीजिए आप हर महीने 10,000 रुपए का SIP कर रहे हैं किसी इक्विटी स्कीम में, और ये इक्विटी स्कीम आपको 12% रिटर्न देगी अगले 20 साल तक। तो अगले 20 साल में अगर आप रेगुलर प्लान में ये 10,000 रुपए का SIP कंटिन्यू करते हैं और इसको डायरेक्ट में करते हैं, तो जो रिटर्न का डिफरेंस है वो कम से कम 20 से 25 लाख रुपए का हो जाएगा 20 साल के अंदर में। जी हाँ, आप डायरेक्ट में 20 से 25 लाख रुपए ज्यादा बनाएंगे अगर वो स्कीम 12% कंसिस्टेंटली रिटर्न देती है आपको एनुअलाइज, बनिस्पत के आप उसको रेगुलर में इन्वेस्ट करें। तो इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कंपाउंडिंग के कारण। तो डायरेक्ट का जो रिटर्न होता है वो ज्यादा होता है, हायर होता है। ये था डिफरेंस नंबर 2। डिफरेंस नंबर 3 अगेन जो कि पहले दो डिफरेंस से निकलता है वो ये है कि डायरेक्ट का NAV ज्यादा होता है, रेगुलर का NAV कम होता है। वो बड़ा सिंपल है, डायरेक्ट आपको ज्यादा रिटर्न दे रहा है, वो ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो जो चीज आपने 10 रुपए में खरीदी वो आपको ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, तो उसका भाव भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो डायरेक्ट का NAV हमेशा ज्यादा रहता है, रेगुलर का NAV हमेशा कम रहता है। कभी भी आप जब सेम स्कीम के डायरेक्ट और रेगुलर प्लान को कंपेयर कर रहे हैं तो ये 3 चीजें देख लीजिए कि एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट में कम, रेगुलर में ज्यादा, रिटर्न डायरेक्ट में ज्यादा रेगुलर में कम, और NAV डायरेक्ट का ज्यादा रेगुलर का कम। तो ये थे 3 सबसे बड़े डिफरेंस। जो चौथा डिफरेंस है अगेन वो भी इन्हीं के फलस्वरूप आता है, वो है कि इनबिल्ट कमीशन नहीं होता है डायरेक्ट में। डायरेक्ट में क्योंकि आप फंड हाउस से सीधा डील कर रहे हैं, कहीं पर भी कोई कमीशन इन्वॉल्व नहीं होता है किसी भी इंटरमीडियरी के लिए। तो अगर आप डायरेक्ट चाहे तो फंड हाउस से खरीदिए या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदिए, वहां पर आपके
पैसे में से कोई कमीशन नहीं काटा जा रहा, रेगुलेटरली सेबी इसको अलाउ नहीं करता है, परमिट नहीं करता है बिल्कुल भी। तो जब आप डायरेक्ट प्लान ले रहे हैं आप बेहिचक ले सकते हैं, आपको भरोसा होगा कि उसमें कोई कमीशन आपका नहीं कट रहा है। रेगुलर जब आप करते हैं तो ये मान के चलिए, चाहे आपका बैंकर, ब्रोकर, डिस्ट्रीब्यूटर आपको बोल रहा हो कितनी भी बार कि इसमें एंट्री चार्ज नहीं है, इसमें कोई लोड नहीं है, इसमें कोई फी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। जहां रेगुलर प्लान है वहां पर एक इनबिल्ट कमीशन जो कि हिडन होता है एक्सपेंस रेशियो में, वो शामिल होता है आपके रिटर्न्स में से कटकर हर साल आपके डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाता है आपकी मार्केट वैल्यू से। तो अगर आपका पोर्टफोलियो 5 लाख का है तो रफली हर साल आपके डिस्ट्रीब्यूटर को 1% उसका यानी 5,000 रुपए का कमीशन जाएगा जो आपके रिटर्न से कम होगा पर आपको पता नहीं चलेगा। तो ये थे कुछ बड़े डिफरेंसेस डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर के। डायरेक्ट करने के बहुत सारे माध्यम है, आप सीधा फंड हाउस की वेबसाइट्स पे जाकर उनको कर सकते हैं या फिर आज बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो डायरेक्ट प्लान्स को प्रमोट करते हैं और उनका आप इजीली जाकर वहां से डायरेक्ट प्लान्स ले सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका पैसा सिर्फ आपके लिए काम करे और किसी और के लिए काम ना करे और उसका पूरा फायदा आप उठाना चाहते हैं, तो मेरी आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट यही रहेगी कि अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को डायरेक्ट में इन्वेस्ट करना शुरू करिए, धीरे धीरे सीखना शुरू करिए, थोड़ा पढ़ना शुरू करिए। इसके बारे में जितनी जानकारी बढ़ाएंगे उतना ही आपके इन्वेस्टमेंट्स में फायदा आएगा और आप उतनी ही बड़ी रकम बचा पाएंगे। डायरेक्ट प्लान इज द वे टू गो। तो मैं यही बोलना चाहूंगा हमारी सारी ऑडियंस से कि डायरेक्ट प्लान और म्यूचुअल फंड को समझिए और वहां पर इन्वेस्ट करना शुरू करिए। थैंक यू। मनी फ्रंट के रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को सब्सक्राइब करिए या फिर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।